नमस्कार दोस्तों, अंतरिक्ष से आई बुरी खबर। भारतीय मूल की एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम की तबीयत हुई खराब। अंतरिक्ष से आई लेटेस्ट तस्वीरों के अनुसार उनकी तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही है। इस तस्वीर में एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम काफी कमजोर और पतली नजर आ रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सुनीता विलियम पिछले 6 महीनों से अंतरिक्ष में फंसी हुई है, जिसके कारण उनकी तबीयत लगातार खराब हो रही है और जिसके कारण उनका वजन लगातार कम हो रहा है। एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम सिर्फ 8 दिनों के लिए अंतरिक्ष मिशन पे गई थी, लेकिन स्पेसक्राफ्ट में आई खराबी के कारण वो पिछले 6 महीनों से दूसरे वैज्ञानिकों के साथ वहां फंसी हुई हैं। हाल फिलहाल नासा की तरफ से सुनीता विलियम को अंतरिक्ष से निकालने के लिए कोई भी तैयारी नहीं है। अगले साल फरवरी तक सुनीता विलियम को अंतरिक्ष में ही रहना होगा। इसी दौरान एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स सुनीता विलियम को फरवरी में रेस्क्यू करेगी। यही लंबा समय सबसे बड़ी समस्या है। सुनीता विलियम को 3 महीने अंतरिक्ष में गुजारने सबसे बड़ी चुनौती है। दुनिया उनकी सलामती की दुआ कर रही है। सवाल ये उठता है, इन सब के पीछे जिम्मेदार कौन है? क्या नासा इसके लिए जिम्मेदार है? क्या स्पेसएक्स और नासा मिलके फरवरी से पहले सुनीता को अंतरिक्ष से निकालेगी? ये वो सवाल है जिसका जवाब दुनिया को आने वाले वक्त में ही मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, आप इसे लाइक कर सकते हैं और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। धन्यवाद।